इंतजार मत करो, जिंदगी तुम्हें उतना भगाएगी जितना तुम तेज सोचोगे। सो हेलो गाइज, मेरे तरफ से आप देखने आप तो आज अभी हम करने जा रहे हैं फिफ्थ वाला पार्ट, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो ये बिल्कुल उससे क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके तो करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका हम देखो, ये मेरा क्या है, सेकंड लाइन इक्वेशन में है ना। देखो ऊपर मतलब देखो ऊपर में एक लाइन, नीचे में एक लाइन, है ना। मतलब दो लाइन वाला इक्वेशन है। तो सबसे पहले इनको हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले इनको हम सिंगल लाइन इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो सिंगल लाइन इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो 7x - 2y / xy का ऐसे भी इसको पहले आप स्प्लिट कर दो, है ना। पहले हम स्प्लिट करते हैं इसको, पहले आप स्प्लिट कर दो यानी एक्सपांड कर दो। कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, 7x / xy भी लिख सकते हैं, फिर -2y / xy लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखो एक्स वाई इन दोनों के नीचे ही कॉमन है ना, तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इक्वल टू 5। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी 8x + 7y / xy को एक्स वाई इन दोनों के नीचे ही है, तो इसको भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, xy + 7y / xy हो गया, है ना। तो अभी इनको हम कैसे मतलब स्प्लिट करते हैं, और यानी कि हम एक्सपांड करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, है ना। तो देखो अभी हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, तो देखो इससे हम ये बना दिए, अभी इसको आप कैसे, इसके बाद आप इसको कैसे करोगे, हम देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है ना। तो देखो इधर 7x / xy, इधर 8x / xy, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 7x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × x / xy, है ना। 7x / xy को 7 × x / xy, है ना। बिल्कुल उसी तरह से नीचे में भी 8x / 8x को x / xy को 8 × x / xy लिख सकते हैं, है ना। फिर ऊपर में देखो -2y, तो 2 × y / xy लिख सकते हैं, नीचे +7 × y / xy लिख सकते हैं, है ना। इसको स्प्लिट करें 7 को, इसके देखो यहाँ 7y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 7 को यहाँ पे स्प्लिट कर दिए थोड़ा सा, एंड ऊपर में क्या इक्वल टू 5, ये इक्वल टू 15। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x / xy, y / xy, है ना। तो ये कॉमन मिल रहा है, यानी कि हम इसका ही वैल्यू हमें ढूंढना है, इसका ही वैल्यू हमें पता करना है। तो जिसका हमें ढूंढना होता है, जिसका फाइंड करना होता है, उसको हम लेट करते हैं। तो हम लेट करेंगे x / xy = a, देन x / xy, है ना, x / xy का ए लेट के, देन y / xy = b, हम ये लेट कर रहे हैं। ओके लेट ये हो गया। अभी देखो अभी लेट करने के बाद अभी इक्वेशन मेरा क्या चेंज हो रहा है, देखो देखो ये वाला इक्वेशन ये था, ये वाला इक्वेशन ये था। देखो 7 × x / xy, तो अभी x / xy को हम क्या लेट कर रहे हैं, ए लेट कर रहे हैं, है ना। तो अभी x / xy के बदले हम a पुट करेंगे यहाँ पे। ओके तो 7 × x / xy, तो x / xy के बाद मतलब बदले a। ओके देन -2y / xy, y / xy हमारा क्या है, b है, तो 2b = 5। इसी तरह से इसको भी 8 × x / xy, x / xy हमारा क्या होता है, a होता है यहाँ पे, है ना, लेट किए हैं। देन +7 × y / xy हमारा क्या है, बी है, 7b = 15। देखो ये हमारा इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू बन गए। ओके मतलब देखो अब हाँ, ये हमारा इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू बन गए। ओके तो देखो अभी देखो ये जो इक्वेशन है, ये हमारा सिंगल लाइन इक्वेशन है कि नहीं, सिंगल लाइन इक्वेशन है, एक ही लाइन में इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाना पड़ता है। ए वाला टर्म का इक्वल बनाओ, मतलब यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना होगा, या फिर बी वाला टर्म को इक्वल बनाओ, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 और 7 को इक्वल बनाने में मुझे थोड़ा आसान लग रहा है ना। देखो 7 × 8 कितना होता है, थोड़ा बड़ा नंबर वाला मतलब हो रहा है ना, लेकिन 2 और 7 2 7 = 14 भी, तो 14 मेरा थोड़ा छोटा नंबर है। तो 2 2b और 7b को मैं क्या बनाऊँगा, 2 7 = 14 भी, है ना, 14 भी बनाऊँगा,
यहाँ पे भी 14 पे, यहाँ पे भी 14 पे, बनाने में मुझे थोड़ा इजी होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, इस पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 2b को 7b के साथ इक्वल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2b और 7b को दोनों को लेके मुझे किसी एक को बनाना है ना। 2b और 7 को, 2b और 7b को लेके मुझे किसी भी एक कॉमन वाला नंबर बनाना है, तो क्या बना सकता हूँ? 2 7 या 14b, है ना। तो 2b के बदले मैं 14b यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कैसे? अगर इसमें इस वाला इक्वेशन में मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूँ तो, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से भी यहाँ पे क्या देखो, 7b, तो 7b को मैं 14b यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसे? अगर 7b में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो, है ना। यानी कि आप ऐसा सोचो कि 2b को मैं 7 से मल्टीप्लाई किया, 7b को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अभी देखो इक्वेशन मेरा कैसे हो रहा है। पहले वाला इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49a, देन माइनस 7 2 जा 14b, देन 7 5 जा 35, हो गया इक्वेशन 3 बन गए इक्वेशन 1 से। ओके, अभी देखो यहाँ पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 2 8 जा 16a, देन 2 7 जा 14b। तो देखो 14b आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे हैं। मुझे यही लाना था, मतलब बी वाला टर्म मेरा यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, मुझे यही लाना था। अभी मैं एलिमिनेशन आराम से कर सकता हूँ, एंड इक्वल टू 2 15 जा 30, ये मेरा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4th बन गया। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है, 14b इक्वल आ रहे हैं, यानी इसको हमें आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ, आराम से मैं 0 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा साइन लगाऊँ जिससे मेरा ये 0 हो? प्लस का साइन लगाऊँ या फिर माइनस का साइन लगाऊँ? मैं उसी साइन को लगाऊंगा जिस साइन से मेरा ये 0 हो। ओके, 14b 0 हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखो -14b, इधर +14b, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूँ, देखो प्लस प्लस क्या होता है, ++14b, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस कैंसिल होता है ना। तो -14b +14b कैंसिल, यानी 0, है ना। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाने से ये मेरा 0 हो रहा है, तो इसको प्लस करेंगे तो -14b +14b 0, देन 49a +16a कितना होता है, 565a हो गया। इधर इसको भी प्लस कर दो, 533 665, तो यहाँ से 65a इक्वल टू 65, यहाँ से a इक्वल टू इधर क्या है 65 पे, इस 65 पे उधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो a इक्वल टू 65/65 यानी 1, है ना। तो देखो a का वैल्यू कितना, 1 मिल रहा है। तो अभी मुझे b का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। ओके, ये जो इक्वेशन था 7 मल्टीप्लाई होने से पहले, है ना, यानी कि इक्वेशन मेरा क्या था, 7a-2b इक्वल टू 5, है ना, ये इक्वेशन था। इसी वाले इक्वेशन में अभी a का वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको इक्वेशन 1 में ही पुट करना पड़ेगा, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a का वैल्यू को, b का वैल्यू मिल जाएगा। 7 इंटू में a मेरा क्या है, 1-2b इक्वल टू 5, यहाँ से 7 1 7 2b इक्वल टू 5, यहाँ से -2b, ये +7 है उसको उधर भेजेंगे तो -7, यहाँ से -2b, 5-7 कितना होता है -2, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर भेज देंगे तो 2/2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया 1। तो a हम क्या लेट किए थे, a मेरा क्या था, x/xy, है ना। तो ए मेरा क्या था, x/xy, तो x/xy मेरा क्या है, 1 है। तो यहाँ से देखो x/xy, तो x से x कैंसिल हो रहे हैं, है ना, ऊपर x से नीचे वाले x को कैंसिल। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 इक्वल टू इधर क्या है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे y है, 1 इक्वल टू 1/y। तो मुझे यहाँ से y का वैल्यू चाहिए, है ना, तो y को 1 की जगह और 1 को y की जगह भेज देता हूँ। तो क्या होगा देखो, यहाँ से क्या होगा देखो, वाई को इधर भेजेंगे तो वाई, एंड इधर 1 तो पहले से ऊपर में, इस 1 को अगर ये इधर लाऊंगा तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 1/1, 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो वाई इक्वल टू 1/1 या फिर 1। ओके, उसी तरह से अभी बी का वैल्यू पता करते हैं। बी को हम क्या लेट किए थे, y/xy, बी हमारा क्या था, y/xy, तो y/xy मेरा कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से देखो, इस वाई कैंसिल, ऊपर वाला वाई से नीचे वाला वाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 1/x बचा, तो 1 इक्वल टू 1/x बचा, है ना। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x को इस 1 की जगह और 1 को इस x की जगह भेज देते हैं। तो क्या होगा देखो, x इधर आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, देन इधर ऊपर 1 पहले से ये सही, देन इस 1 को x की जगह पे, है ना, यानी कि नीचे, तो
वन बाई वन, तो एक्स इक्वल टू वन बाई वन, तो वन बाई वन कितना होता है, वन होता है ना। तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू मिल गया वन, वाई का वैल्यू मिल गया वन, है ना। और ये था क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ वाला पार्ट कम्प्लीट। अभी हम इसका सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं।